हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिस प्लगइन्स का यूज करने से आप अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक मीठा दे सकते हो, यानी कि अपनी आवाज़ में स्वीटनेस ला सकते हो। इस प्लगइन्स का नाम है महोर्स, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस प्लगइन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेसेट मिल जाते हैं जिस प्रेसेट को आप अपने ओकल के हिसाब से सेट कर सकते हो और अपनी आवाज़ में मीठापन ला सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हो, काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ को सुधार सकते हो। ये कैसे वर्क करता है वो भी हम आपको बताएँगे, कैसे यूज करना है वो भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले इसको हम आपको बताते हैं कि इसको लगाने से अपनी आवाज़ में कितना स्वीटनेस आता है, वो चीज़ पहले मैं आपको सुना देता हूँ। तो इसके लिए आप अच्छे हेडफोन का यूज ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसे सिंपल में सुन रहे हैं कानों से तो इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं देगा, फ़र्क सुनने में नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा सुनने में मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ में इसको आप सुनना चाहते हो तो आप हेडफोन का यूज एक बार आप जरूर कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसके साथ में ओकल के साथ में इसको लगा दिया हूँ यहाँ पर, और कुछ मैंने यहाँ पर इक्यू भी किया हूँ, तो वो भी हम आपको बताएँगे कैसे मैंने इक्यू किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं। केहू के झांसा में यही हो ना चाचा, होई विकास अब सुन ये चाचा, केहू के झांसा में यही हो ना चाचा। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ है बिल्कुल स्वीट लग रही है, स्वीटनेस आ गई है सिंगर की आवाज़ में। अगर अब हम इसको बंद करके सुनते हैं, या तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करेंगे, बंद करेंगे तब सुनिएगा कि इसको लगाने से कितना फ़र्क पड़ता है, कितना मीठा आवाज़ देता है, उसके बाद में इसको बंद करने से कितना हमारी आवाज़ में मतलब बेकार सा फील आता है। तो चलिए, होई विकास अब सुनो ये चाचा, के मुके झांसा में यही हो ना चाचा, होई विकास अब सुनो ये चाचा, के मुके झांसा में यही हो ना चाचा। तो आपने सुना कि कितने इसको लगाने से कितना अच्छा हमारा वोकल रिस्पॉन्स कर रहा है, काफ़ी हद तक मीठा आवाज़ यहाँ पे बन रहा है सिंगर की आवाज़ में। और यहाँ पे इसको अगर बंद कर देते हैं तो इतना ज़्यादा मीठा दे रहा है फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर हम और कोई प्लगइन्स यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक मीठा आवाज़ यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस प्लगइन्स के बारे में जो मुझको मिला है, तो महोर्स नाम का है, BST प्लगइन्स है। तो इसको यूज कैसे करना है वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले इसको जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे प्रेसेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इक्यू करना होता है, यानी कि बेस फ्रिक्वेंसी को आपको कट करना होता है, मिड को आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इसको, यानी कि अपनी आवाज़ के साथ हिसाब से। और इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि लाउडनेस से अपनी आवाज़ में लाउडनेस यहाँ पे बढ़ जाती है, इसकी बेस फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं यूज किया हूँ इसको मास्टर स्वीट के नाम से जो प्रेसेट आता है, और मैंने यहाँ पे पहले से इसका इक्यू कर लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रेसेट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटिंग ये करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका बेस फ्रिक्वेंसी को कट किया हूँ, मिड को थोड़ा सा यहाँ पे कट किया हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़े से नोब को यहाँ पे बढ़ा दिया अपनी आवाज़ को खोलने के लिए, और उसके बाद में हाई को थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दिया हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +5 यानी कि हमने इसको 5 dB तक इसको मैंने इसके गेन लेवल आउटपुट गेन लेवल को मैंने बढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद में इसका फैनिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट राइट फैन कर सकते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट में बुलवाना है तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट में बुलवाना है तो आप इसको राइट साइड में कर सकते हैं। तो ये भी इस प्लगइन्स के अंदर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इसका इनपुट गेन लेवल है, तो इनपुट गेन लेवल के साथ में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको तीन ही चीज़ इसको करना है, यानी कि आप तो इसके अंदर आप इसका मास्टर स्वीट नाम का एक प्लगइन से ले सकते हो, जो भी आपके वोकल के हिसाब से जो भी फिट बैठे आप इसको ले सकते हो। बाद में अपना अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो, इसका इक्यू कर सकते हो, इसके बाद में इसका गेन लेवल भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। फिर इसमें आप डिकार्ड है, और उसके बाद में पंच है, बॉडी है, साइन है, आप इसको अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। चले हम यहाँ पर पंच को ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पंच को ऐड कर रहा हूँ। और काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ को इस प्लगइन्स की मदद से अच्छा कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है अपनी आवाज़ में। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से इसके साथ में सुनाते हैं, फिर इसको बंद करके आपको सुनाते हैं। कोई विकास अब सुनो ये चाचा, के मुके झांसा में यही हो ना चाचा, कोई विकास अब सुनो ये चाचा, के मुके झांसा में यही हो ना चाचा, संतोष भई
लेती हो ना ए भैया देखे या बंदिया नावा बटन दबाई लेती हो ना। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है जो मैंने आपको बता दिया हूँ इसको यूज कैसे करना है, और इसके वोकल क्वालिटी को भी मैंने आपको सुना दिया हूँ कि किस तरह से अपनी आवाज़ में स्वीटनेस ये देता है। जो महोर्स नाम का जो प्लगइन्स है काफ़ी हद तक अच्छा प्लगइन्स है। तो अगर आप पूरे डाटा के साथ में इसको ख़रीदना चाहते हो तो पूरा डाटा के साथ में आपको इसको दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाएँ।